अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन मरक बनाने जा रही हूँ। उसके लिए एक किलो गोशे हड्डी वाला, दो मीडियम साइज़ प्याज, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन, आधा टीस्पून मिर्ची, एक टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून नमक, एक 20 काजू, 20 बादाम है इसमें। ये भिगाली मैं आधा घंटा भिगने रखी और इसको पेस्ट कर लेना ग्राइंड करके। और शाजीरा, थोड़ी काली मिर्ची साबित, थोड़ी दालचीनी, चार लौंग, तीन इलायची, थोड़ा शाजीरा काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी और चार हरी मिर्ची, उसको बारीक काट ली मैं, थोड़ी कोथमीर, थोड़ा पुदीना, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, तीन टेबलस्पून घी। अब इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुकर रख लें, उसमें घी डाल देना, घी गरम हो गया, प्याज, प्याज ब्राउन हो गई। अब इसमें काली मिर्ची, मसाले, लौंग, दालचीनी पूरे डाल के इसमें भून लेना। अदरक लहसुन डालना, गोश्त डाल देना, नमक, हल्दी, मिर्ची, इसमें 3 ग्लास पानी, सीटी लगा दीजिए, 5 सीटी होने दीजिए, 5 सीटी हो गई। अब इसमें 5 सीटी हो गई, इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और ये काजू बादाम का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छे से पका लेना, 10 मिनट अच्छे से पकाइए। फूलकी रख के और थोड़ा पानी डालो, मिनट फुल फ्लेम पे पका लेना। फिर उसमें कोथमीर, पुदीना,
मिनट हो गए, सिम पे मैं 5 मिनट पका ली इसको, चूल्हा बंद कर दे रही। मरक तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।